दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर कीड़ों की संख्या गिनी जाए तो ये संख्या करीब करीब 10 अरब के आसपास है, जिनमें से 40% संख्या सिर्फ बीटल्स की है, जो कि नॉर्मली काफी ज्यादा है। लेकिन अगर इनके जीवन काल की बात करें तो ये बहुत ही कम समय का होता है। जी हाँ, क्योंकि एक बीटल कब किस मेंढक या टोड का भोजन बन जाए ये कोई नहीं जानता। और एक बार इनका भोजन बनने के बाद इन बीटल्स की कहानी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। लेकिन बॉम्बार्डियर और वाटर बीटल के साथ ऐसा नहीं है। ये मेंढक के पेट में पहुंचकर भी जिंदा रह जाते हैं, क्योंकि इनके पास अपने शिकारी से बचने का एक अनोखा तरीका मौजूद है। क्या है वो तरीका और कैसे ये कीड़े शिकारी के पेट में अपना बचाव करते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम बात वाटर बीटल्स की करेंगे। दुनिया भर में वाटर बीटल्स की लगभग 3000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और ये सभी तालाबों और झीलों में रहते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, जो शैवाल, छोटी मछलियों और सड़े गले मांस को खाकर जिंदा रहते हैं। लेकिन इनकी भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। दरअसल ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनमें गिल्स नहीं होते, इसलिए इन्हें समय समय पर सांस लेने के लिए सतह पर आना ही पड़ता है। ये अपने विंग केस में हवा को फंसा लेते हैं, जिसका यूज़ ये स्कूबा टैंक की तरह करते हैं। हवा का ये बुलबुला इन्हें लगभग 30 मिनट तक पानी में रहने में मदद करता है। वेल, इनमें मादा अपने अंडे पानी के अंदर जलीय पौधों पर देते हैं। इनके लार्वा को वाटर टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। मुझे पता है यहाँ आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि इस लार्वा में ऐसा क्या खास है जो इसके नाम के साथ टाइगर शब्द जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी के अंदर विकसित होने वाले ये लार्वा कोई आम लार्वा नहीं होते हैं, ये भयंकर शिकारी होते हैं। इनका जबड़ा छोटा लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इतना कि ये अपने से बड़े पानी के छोटे जानवरों को भी खा जाते हैं। ये एक तेज़ फुर्तीले तैराक होते हैं, लेकिन इन्हें भी एडल्ट्स की तरह सांस लेने के लिए सतह पर आना ही पड़ता है। वसंत के समय इनका मुख्य भोजन टैडपोल होते हैं और ये खुद मेंढक के पसंदीदा भोजन बन जाते हैं। वैसे यहाँ आपको बता दें कि मेंढक कभी भी अपने शिकार को खाने से पहले मारता नहीं है, बल्कि ये उन्हें सीधा निगल जाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वाटर बीटल जैसे जीव को मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन मेंढक के लिए वाटर बीटल को मारना इतना भी आसान नहीं होता। वाटर बीटल के हार्ड एक्सोस्केलेटन मेंढक के डाइजेस्टिव जूस का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। रिसर्चर्स के मुताबिक मरे हुए बीटल के कंपैरिजन में जिंदा बीटल ज़्यादा तेजी से मेंढक के पेट से बाहर निकलते हैं, और इसमें उनकी मदद करते हैं उनके पिछले पैर। बीटल के पिछले पैर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और यही इन्हें तैर कर बाहर निकलने में मदद करते हैं। यहाँ एक सवाल जो शायद आपको भी परेशान कर रहा होगा कि आखिर ये बीटल मेंढक के पेट से बाहर निकलने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बता दें कि इसके बाहर निकलने का रास्ता है मेंढक का बट। जी हाँ, वाटर बीटल मेंढक के पेट में जाने के बाद अपने पिछले पैरों की मदद से तैरते हुए उसके बट तक पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद ये सबसे पहले मेंढक के बट से अपने सिर को बाहर निकालते हैं, और इसके लिए ये मेंढक के हिंडगट को उत्तेजित करते हैं और उन्हें पूप करने के लिए उकसाते हैं। आपको बता दें कि बीटल को मेंढक के बट से बाहर निकलने में कम से कम 6 मिनट का समय लगता है, लेकिन कई बार ये समय बढ़कर 6 घंटे भी चला जाता है। दोस्तों, ये तो हुई बात वाटर बीटल की, लेकिन आपको बता दें बॉम्बार्डियर बीटल्स मेंढक के पेट से बाहर निकलने के लिए वाटर बीटल की तरह उनके बट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये मेंढक के मुंह के रास्ते से ही बाहर आते हैं। वैसे ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। दरअसल जब बॉम्बार्डियर बीटल्स खतरे में होते हैं तो ये एक हॉट केमिकल रिलीज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। इस केमिकल स्प्रे की वजह से ही बॉम्बार्डियर बीटल्स मेंढक द्वारा निगले जाने के बाद भी खुद को जिंदा रखने में कामयाब होते हैं। अपने शिकारी के मुंह के अंदर पहुंचकर ये बीटल बॉइलिंग केमिकल्स को शूट करते हैं, जो शिकारी को उल्टी करने के लिए ट्रिगर करता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि बॉम्बार्डियर बीटल्स के पेट के अंदर 2 तरह के चैम्बर्स मौजूद होते हैं, जो क्रिटिकल रिएक्टेंट्स को अलग रखते हैं। लेकिन जब बॉम्बार्डियर बीटल्स को खतरा महसूस होता है, तब वो इन दोनों चैम्बर्स में मौजूद कंटेंट्स को आपस में मिक्स करके एक जहरीला गर्म पदार्थ बनाते हैं, जिसे वो खतरे के समय अपने एब्डोमिनल टिप से रिलीज कर देते हैं। जिस एब्डोमिनल टिप की मदद से ये बीटल्स डिफेंसिव केमिकल को रिलीज करते हैं, उस टिप को वे 270 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, ताकि वो अपने शिकारियों पर और आसानी से फायर कर सके। वैसे ये जहरीला पदार्थ त्वचा और फेफड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होता है, जिस वजह से जब मेंढक जैसे शिकारी इन्हें निगलते हैं तो कुछ ही समय बाद उन्हें वापस से थूकने पर मजबूर हो जाते हैं।
और कई बार तो बॉम्बार्डियर अपने शिकारी के मुंह में जाते ही बॉइलिंग केमिकल्स को शूट करने लगते हैं, जिससे वो उन्हें निगलने से पहले ही थूक देते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक केमिकल रिलीज करने वाले 43% बीटल्स को उनके शिकारी निगलने के 12 से 107 मिनट बाद उल्टी कर देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इतने समय अंतराल तक अपने शिकारी के मुंह और पेट में रहने के बाद भी ये बीटल्स पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। यानी इससे एक बात तो क्लियर है कि बॉम्बार्डियर बीटल की केमिकल स्क्रीटिंग एबिलिटी उन्हें जिंदा रखने में मदद करती है। लेकिन साइंटिस्ट अभी भी इसे लेकर हैरान है कि आखिर बॉम्बार्डियर अपने शिकारी के पेट में पहुंचकर डाइजेस्टिव एसिड के प्रभाव से भी खुद को कैसे बचा लेते हैं। वहीं कुछ बायोलॉजिस्ट के मुताबिक बॉम्बार्डियर ने अपने केमिकल डिफेंसिव को इतने ज़बरदस्त तरीके से इवॉल्व किया है कि उनके लिए अपने शिकारी के डाइजेस्टिव सिस्टम से बच निकलना आसान होता है। दोस्तों, बॉम्बार्डियर और वाटर बीटल दो ऐसे बीटल हैं जिन्हें मेंढक निगल तो लेते हैं, लेकिन ये अपनी एबिलिटी की वजह से बच निकलते हैं। पर क्या आपको पता है कि धरती पर एक ऐसा बीटल भी है जिससे मेंढक चाहकर भी पंगा लेने की गलती नहीं करते हैं? मैं बात कर रहा हूँ स्टैग बीटल की। स्टैग बीटल देखने में बहुत हद तक केकड़े की तरह ही लगते हैं। इनके ब्लैक शाइनी सिर से निकलने वाले सींगों से इनकी पहचान की जाती है, और यही सींग इन्हें मेंढक जैसे शिकारियों से बचने में भी मदद करते हैं। 2 इंच के साइज में आने वाले इस बीटल का इस्तेमाल कई प्रकार की दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। इस वजह से इनकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इतना कि लोग इसे खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए तक देने को तैयार रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि स्टैग बीटल धरती पर मौजूद एकमात्र ऐसा कीड़ा है जिसे लोग पालना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे स्टैग बीटल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होते हैं, लेकिन वो इनका यूज़ काटने के लिए नहीं करते हैं। दरअसल वो इनका इस्तेमाल दूसरे नर बीटल्स को डराने के लिए या उनसे कुश्ती लड़ने के लिए करते हैं। स्टैग बीटल अपना अधिकांश जीवन ज़मीन के भीतर ही रहकर बिताते हैं, इसलिए ये जल्दी दिखते नहीं हैं। ये ज़्यादातर गर्मियों के समय ही नज़र आते हैं, क्योंकि इस मौसम में ये अपने मेट को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ते रहते हैं। इनमें मेल बीटल्स 35 mm से 75 mm तक और मादा बीटल्स 30 mm से 50 mm तक बढ़ती हैं। दोस्तों, अन्य कीड़ों के मुकाबले इनका जीवन चक्र काफ़ी लंबा होता है, जो अंडे से वयस्क तक 7 साल तक रहता है। हालांकि एडल्ट होने के बाद स्टैग बीटल की ज़िंदगी बस कुछ ही महीनों तक की होती है। उनका ज़्यादातर जीवन लार्वा के रूप में ही गुजरता है। इस दौरान वो अंडरग्राउंड रहते हैं, सड़ती हुई लकड़ियों को खाते हैं, जबकि एडल्ट स्टैग बीटल पेड़ के रस, फलों के रस और पानी पीकर जिंदा रहते हैं। उनके लिए ठंडा मौसम अनुकूल नहीं है। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि ज़्यादा ठंडा मौसम होने के चलते स्टैग बीटल की मृत्यु हो जाती है। सर्द जगहों पर ये कीड़े खाद के ढेर जैसी गर्म जगहों में जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि तीनों बीटल्स में से कौन सा बीटल आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।